नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होगी एक सवाल से। आप लोगों ने चार्ली चैपलिन का नाम सुना है? लो भला ये भी कोई सवाल हुआ। इतने बड़े दिग्गज अभिनेता जो बिना शब्दों के सबकी जबान पर थे, उन्हें कौन नहीं जानता भला। लेकिन भारतीय सिनेमा का चार्ली कौन था? राज कपूर, जॉनी वॉकर, महमूद? जी नहीं, भारतीय सिनेमा का चार्ली था नूर मोहम्मद मेमून, जिसकी मिमिक्री राज कपूर, जॉनी वॉकर और महमूद करते थे। आइए जानते हैं भारतीय सिनेमा के पहले कॉमेडियन के बारे में कुछ अनसुनी बातें। नूर मोहम्मद मेमून चार्ल्स स्पेंसर के चार्ली चैपलिन किरदार से इतने ज़्यादा प्रेरित थे कि उन्होंने अपना ऑन स्क्रीन नाम नूर से चार्ली रख लिया था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब विश्व युद्धों ने दुनिया को तहस नहस कर दिया था, लोग अपने दुखों को भूलने और हंसी मजाक में डूबने के लिए सिनेमा की ओर उमड़ पड़े थे। भारत में इसी तरह का चलन सामने आया था और चार्ली ने अपने बात करने की शैली और मजाकिया घड़ियों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। कहा जाता है कि नूर की फीस उस दौर में पृथ्वीराज कपूर से भी ज़्यादा थी। विश्व युद्ध के कठिन दौर में अपना समर्थन करने के लिए उन्होंने एक दुकान पर टूटी हुई छतरियों की मरम्मत का काम भी शुरू किया था। बड़े ही कम लोग ये बात जानते हैं कि चार्ली कॉमेडी के साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। इसीलिए तो 1925 में इंपीरियल फिल्म कंपनी ने उन्हें गाने के लिए 40 रुपए की मासिक वेतन पर नियुक्त किया था। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे में बड़े ही भारी मन के साथ इंडियन चार्ली पाकिस्तान चले गए, जहां उनकी कमाई फीकी पड़ गई। बड़े ही कम लोग ये बात जानते हैं कि 13 वर्ष के बाद इंडियन चार्ली वापस भारत आए और यहाँ पर 3 फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी, जिसके कारण उन्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। दोस्तों, आपको इंडियन चार्ली की अनसुनी बातें कैसी लगी, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।